नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ 1966 की फिल्म लव इन टोक्यो का एक गीत, सायोनारा सायोनारा। बहुत ही पॉपुलर गीत अपने ज़माने का, और गीत की फरमाइश भोपाल के अजीत नायर जी ने की है। और फिल्म में ये गीत जॉय मुखर्जी और आशा पारिक जी के ऊपर फिल्माया गया है। हसरत जयपुरी जी ने इसको लिखा है और शंकर जयकिशन जी का संगीत है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बजाकर दिखाता हूँ सी की के हारमोनिका पे, और फिर हमेशा की तरह एक एक लाइन करके इजी नोटेशंस के सहारे हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये मुखड़ा पार्ट है। तो इस तरह का गीत है, और चलिए इसकी पहली लाइन से शुरू करता हूँ। सायोनारा सायोनारा वादा निभाऊंगी सायोनारा। अपर ऑक्टेव के सा नोट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सा 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 प ध प ग ग सा 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 प ध प ग ग ध 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 प ग प ग रे रे ध ध ध ध ध ध ध प ग रे रे। इठलाती और बल खाती सा सा सारे ग प ग प प ध ध ध सा सा सारे ग प ग प प ध ध ध कल फिर आऊंगी सायोनारा ग ग ग ग ग ग रे सा रे सा ध ध ग ग ग ग ग ग रे सा ध ध। इसके आगे सायोनारा सायोनारा सा 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 सा, इसके बाद एक गैप देना है अच्छा, और उसके बाद सानी रे सा जहाँ पे लॉन्ग ठहराव होता है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ये वाइब्रेटो इफेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप गाने को सिंपल बजाइए, नोट्स को सही करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद
जब पूरी प्रैक्टिस हो जाए आपकी और एक जो सॉन्ग का टेम्पो है उस तरह की लय में आपका ये प्लेन जो बजने लगे, उसके बाद आप जहाँ ठहराव है वहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट डालिए वाइब्रेटो का, और तो जहाँ तक स्थाई इसका एंड होगा, और उसके बाद थोड़ा सा इंटरल्यूड म्यूज़िक मिलता जुलता म्यूज़िक पीस मैं जो भी ट्राई करता हूँ वो परफेक्ट नहीं होता है, वो गाने के साथ मैच करता हुआ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसके नोट्स होते हैं, क्योंकि म्यूज़िक को रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल है, और ज़्यादातर इसलिए लोग कैरियोकी के साथ बजाते हैं तो उनको ये म्यूज़िक ट्राई नहीं करना पड़ता। अगर आप सोलो बजा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत बजा सकते हैं। गपा पा साधा, ये दो बार, उसके बाद सा ग ध पा, धप धप धापा, धप धप धापा, ध सा ध, धप धप धापा, ध सा ध, धप धप ध सा ध, फिर से रिपीट, धप धप ध प, ध सा ध, धप धप ध ध प, तो ये इंटरल्यूड म्यूजिक आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपल सांतरा, छोड़ दे मेरी बाहों को, पा प ध सा ध प ध सा ध प ध, पा प ध सा ध प ध सा ध प ध, रोक ना मेरी राहों को, छोड़ दे मेरी, तो आप देखिए कि स्वर थोड़े नीचे आ रहे हैं सेकेंड लाइन में, रोक ना मेरी राहों को, रे रे गा पा गा रे गा पा गा रे सा, रे रे गा पा गा रे गा पा गा रे सा, इतनी भी बेताबी क्या, सा सा सारे सा सा सारे गा पा गा पा पा धा धा धा, समझा अपनी निगाहों को, गा 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 रे सा, रे सा ध ध, तो इस तरह से गीत कंप्लीट हो जाएगा, और सिंपल है क्योंकि इसमें सारे के सारे शुद्ध स्वर हैं, आप बजाइए और गाने को सुन लीजिएगा, सुनने के बाद इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने हिसाब से थोड़े बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं आप, अदरवाइज़ आप प्लेन बजाइए और गाने का मज़ा लीजिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का लेसन एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलता हूँ आपसे एक और अच्छे से गीत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।